Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th New Mathematics Syntax book and it's chapter number 29 Practical Geometry Circle. हमने इस पूरे exercise chapter में हमने circle को ही discuss करा है, तो अब हम यहाँ पर इसकी exercise 29.5 में भी हम circle को ही discuss करेंगे. अब इसका हम करने लगे हैं question number 4. इससे पहले के 1, 2, 3 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल. हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है विच टच बोथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल, जो कि एंगल के दोनों आर्म्स को टच करता हो. और हमें बता दिया गया है कि एंगल हम बनाएंगे यहाँ पर उसकी मेजरमेंट कितनी है 35 डिग्री. ठीक, तो यानी 35 डिग्री का एंगल पहले हमने ड्रॉ करना है. तो इधर पहले हम गिवन को देख लेते हैं. गिवन में कह रहे हैं कि एन एंगल ऑफ मेजर 35 डिग्री, जो हमें बात क्वेश्चन में बता दी गई है कि एंगल 35 डिग्री का है. रिक्वायर्ड है कि हमने एक सर्कल बनाना है जो कि एंगल के दोनों आर्म्स को टच करता हो. अब कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमने एंगल बनाना है 35 डिग्री का. तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन सेगमेंट. किसी भी मेजरमेंट की हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंगल बता दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन सेगमेंट. मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दी एक लाइन सेगमेंट, किसी मेजरमेंट की ड्रॉ कर लें. अब इसके बाद हमें क्या कहेंगे, ये हमारा पॉइंट है कि दिस इज द पॉइंट बी और ये पॉइंट है ए. इस पर हम एरो लगाएंगे, ये हमने रे बनाई. यहाँ पर हमने क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरह से फिक्स पॉइंट है. फिक्स पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस पर हमने बनाना है एंगल. ठीक है, अब एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर को रख देंगे पॉइंट बी पर और फिर 35 डिग्री का एंगल दिया गया है, लिहाजा लाइन हमारी इस तरफ है. यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे और फिर हम 35 पर कर देंगे मार्क. तो यहाँ से ये हो जाएगा 31, 2, 3, 4, 5 पर हमने मार्क कर दिया. ये हो गया 35 डिग्री का एंगल. कर देंगे हम उसको जॉइन पॉइंट बी से. ये हमने इसको कर दिया जॉइन. ठीक, अच्छा इसको हम कह देंगे ये हमारा पॉइंट क्या है, रे रे बनाई है हमने. This is the C. और यहाँ हमने एंगल बना दिया कितने का, 35 डिग्री का, जैसा कि हमें फर्स्ट स्टेप में कहा गया है. अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब ड्रॉ करना है इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल. ठीक, अब एंगल का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन कर लेंगे और फिर हम लेंगे सेंटर बी को और बनाएंगे हम इस तरह से यहाँ पर एंगल. ठीक है, और फिर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे एक आर्क, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इसको हम कर देंगे अब इंटरसेक्ट. इस तरह से हमने इंटरसेक्ट कर दिया, हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया. अब हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट बी से जॉइन कर देंगे. तो एक्चुअली ये हमने क्या करा है, ये हमने बनाया है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ड्रॉ करने लगे हैं एंगल बाइसेक्टर. केयरफुली कीजिएगा, इस
इस तरह से ये हमने बना दिया। ओके, इसको हम कह देंगे ये पॉइंट हमारा कहलाएगा, दिस इज द पॉइंट डी, जो कि क्या है, एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर है। तो अब इसके बाद हमने क्या करा, हमने अब एक पॉइंट लेना है, किस पर, इस एंगल बाइसेक्टर बी डी पर। इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी से हम ड्रॉ करेंगे अब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कंपास को हम अगेन किसी भी रेडियस का ओपन कर सकते हैं, और अब हम सेंटर लेंगे पी को। क्यों? क्योंकि हम पी पर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। सही है, पी को हमने सेंटर लिया, और फिर इस तरह से हम बी ए पर ड्रॉ कर देंगे आर्क। हमने इस तरह से इस पर एक आर्क लगा दी। सही है, और अब हमने क्या करना है, अपने कंपास को मोर देन हाफ, अगर हम कहते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है, जो जो ने आर्क लगाई है, इसका अगर हम नेम दे दें, किसका नेम, इसको हम कहते हैं एक्स, इसको हम कहते हैं वाई। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, जो एक्स वाई डिस्टेंस है, इसके हमने मोर देन हाफ अपने कंपास को ओपन करेंगे। सही, तो हम देखेंगे हमारा क्या है, मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई है, हमने मोर देन हाफ खोला हुआ है, और फिर एक्स को सेंटर लेते हुए, एक्स को सेंटर लेते हुए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी एक आर्क। इसी तरह से वाई को लेंगे हम सेंटर, और फिर इस आर्क को हम कर देंगे इंटरसेक्ट। इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, या गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट क्यू। अब पी और क्यू, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। पॉइंट पी से परपेंडिकुलर मिला हमको। ठीक है, तो ये हमने इनको कर दिया ज्वाइन। सही, ये बन गया परपेंडिकुलर ऑन बी ए। बी ए पर हमने पॉइंट पी से ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर। अब हमने जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी ए को, हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ई। ये पॉइंट ई आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने कंपास को ओपन करना है। कंपास को ओपन करेंगे अब हम कितना, पी ई डिस्टेंस हम क्या लेंगे अब अपने कंपास में, तो हम डिस्टेंस लेंगे पी ई, और फिर पी को सेंटर लेते हुए, हमें सेंटर किसको लेना है, पी को, और पी को सेंटर लेते हुए हम ड्रॉ करेंगे यहां पर एक सर्कल। इस तरह से ये हमने क्या करा, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कल पूरा बन गया, जो कि हम देख रहे हैं कि जो एंगल हमने बनाया था उसके आर्म से, ठीक है, उसके आर्म से टच हो रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा, इसमें रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है कि टू ड्रॉ अ सर्कल विच टच Both the arms of the angle. तो ये एंगल के जो आर्म्स हैं, ठीक, उनसे ये सर्कल क्या हो रहा है, टच हो रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर दी। तो स्टूडेंट्स, इसके जो सेकेंड पार्ट है वो 40 डिग्री का, उसमें उन्होंने कहा है एंगल बनाने के लिए, और फिर उससे हमें बनाना है इसी तरह से ही सर्कल, जो कि इसके आर्म से टच होता हो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेथड है,
और कंसंट्रेशन में भी हम सिर्फ इतना करेंगे कि जहाँ पर 35 डिग्री आ रहा है वहाँ पर हमने 40 डिग्री लिखना होगा। तो वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, नॉट डिफिकल्ट, तो आप वो क्वेश्चन खुद करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू अ पॉइंट एम। हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाना है जो कि पॉइंट एम से गुजरता हो, विच लाइज बिटवीन टू कन्वर्जिंग लाइन्स पी क्यू एंड एस। हमें यहाँ पर टू कन्वर्जिंग लाइन्स बनानी है। कन्वर्जिंग लाइन्स किन लाइन्स को कहते हैं? जो कि नॉन पैरेलल होती हैं, यानी जिनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, उनको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लाइन्स। क्या दिया गया है? वो पी क्यू और एस टी हैं। सच दैट, इस तरह से कि द सर्कल ऑल्सो टच बोथ द लाइन्स। अब हम जो एम से गुजरता हुआ सर्कल बनाएंगे वो इन पी क्यू और एस टी से भी क्या हो, टच होता हो। हमने ऐसा सर्कल बनाना है। ठीक है, अब गिवन के अंदर क्या है, हमें बता दिया गया है कि जो लाइन्स हमने बनानी है पी क्यू और एस टी, वो कैसी लाइन्स हैं? कन्वर्जिंग लाइन्स हैं। और वो उनके दरमियान एक पॉइंट क्या है, एम है। हमने पॉइंट एम लेना है, ये बातें हमें क्वेश्चन में बता दी गई हैं। फिर रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि एक्चुअली एम से गुजरता हो, और इसके अलावा जो हमने कन्वर्जिंग लाइन्स के दरमियान हमने पॉइंट एम लिया है उनसे भी टच होता हो। तो अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप ये दिया गया है कि हमने पहले तो यहाँ पर कन्वर्जिंग लाइन्स पी क्यू और एस टी ये हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर पहले ड्रॉ करते हैं टू कन्वर्जिंग लाइन्स। मेरे को इसकी मेजरमेंट नहीं दी गई है कि कितने उसकी लेंथ की ड्रॉ करनी है, लिहाजा अपनी तरफ से हम ड्रॉ कर देंगे टू कन्वर्जिंग लाइन्स। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये बना दी, इसको हम कह देंगे दिस इज द लाइन P, दिस इज Q, इसको हम कह देंगे S, और ये है T, सही है। ये पॉइंट हमारा जो है P है, ये पॉइंट जो है वो Q है, तीसरा द लाइन्स। और दोनों जिस पॉइंट पर कन्वर्जिंग लाइन्स मीट कर रहे हैं इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट A, ये पॉइंट A है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक पॉइंट बिटवीन दीज लाइंस ले लेंगे M, सही है। हमने कह दिया हेयर दिस इज द पॉइंट M, हमने M ले लिया। अब हमने M से गुजरता हुआ एक सर्कल बनाना है जो कि इन दोनों आर्म से भी क्या हो, टच हो, सही, इन दोनों लाइंस। एक्चुअली अब ये क्या, हमने लाइंस बनाई हैं तो ये इनसे भी टच होता हो और एम से भी टच होता हो, हमें ऐसा सर्कल बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 करा था, पूरा एग्जैक्टली सारा वही मेथड है। अभी तो स्टार्टिंग में हमने सारा वही काम करना है। हमने किसी भी रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे, ए को हम सेंटर लेंगे और इस तरह से हम बना देंगे यहाँ पर एंगल। ठीक है, और फिर हम इनको सेंटर लेते हुए हमें अब बनाना है एंगल बाइसेक्टर। तो फिर इसको सेंटर लेते हुए यहाँ हमने ड्रॉ कर दी एक आर्क। इसी तरह से इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए प्रीवियस आर्क को हमने कर दिया इंटरसेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच कर देंगे पॉइंट ए से,
इनको हम ज्वाइन कर देंगे, मतलब अटैच नहीं ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं, केयरफुली कीजिएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन का सारा इसी पर ही, जो हम बनाने लगे हैं इसी पर ही ये सारा डिपेंड करता है। तो ये हमने बना दिया एंगल बाइसेक्टर इस तरह से, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम ले, हमसे कह देंगे ये है, दिस इज द पॉइंट बी, ये हमने बी ले लिया, हमारा ए था, हमने यहाँ पर बना दिया एंगल बाइसेक्टर रे ए बी। अब इसके बाद हमने इस पर हम ले लेंगे एक पॉइंट, ये हमने ले लिया पॉइंट पी, इस बी डी सॉरी ए बी के ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया पी, ये पॉइंट पी ले लिया। पी से हमने क्या करना है, हमने इस पर बनाना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम फिर किसी भी रेडियस का कंपास ओपन कर सकते हैं, और पी से बनाना है क्योंकि परपेंडिकुलर, लिहाजा हम पी को लेंगे सेंटर, और पी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर एक आर्क। सारा काम वैसे ही है जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 में सीख कर आए हैं। अब हमने अपने कंपास को मोर देन हाफ खोला हुआ है, सही है, मतलब वही है हमारा हमने जिसमें कि हमने ये आर्क ड्रॉ करी थी, सही। फिर हमने इसको सेंटर लिया और फिर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक आर्क इसी तरह से, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इसको कर देंगे इंटरसेक्ट। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हासिल करने के लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट एक्स, ये एक्स है। अब हम ज्वाइन कर देंगे पी को एक्स से। ये पी नहीं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है इसको जी, दिस इज द पॉइंट जी, ये जी है, सही। जी और एक्स को हम कर देंगे अब ज्वाइन। ये ने बना दिया परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट जी, सही, किस पर, ए पी पर, ये ए पी पर बन गया परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हमने कंपास को ओपन करना है, ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेकर जी तक कंपास को हमें, ये डिस्टेंस हमें लेना है। अब इस पॉइंट को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट डी, सही है। और फिर अब हम अपने कंपास को ओपन करेंगे जी डी के इक्वल, इतना हम रेडियस ले लेंगे। कंपास को हमने कितना खोला, जी डी के इक्वल, और फिर हमने सेंटर लेना है जी को सेंटर लेते हुए हम ड्रॉ करेंगे अब सर्कल। तो हम ये देख रहे हैं ये सर्कल जो है इन दोनों लाइन से टच हो रहा है, ये हमने बना दिया सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद हम जो ये पॉइंट एम बिटवीन द लाइंस लिया है इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए से,
पॉइंट ए और पॉइंट एम, ये हो जाएंगे ज्वाइन. इस तरह से इनको हम ज्वाइन कर देंगे. और फिर ये सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, सही, ये वाला पॉइंट जहां पर ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट एच. दिस पॉइंट एच. अब हमने क्या करना है, इस सर्कल का जो ये सेंटर पॉइंट जी है, जी और एच इनको हम कर देंगे अब ज्वाइन. ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, पॉइंट एच एंड पॉइंट जी, और ज्वाइन कराते हुए इसको हम आगे बढ़ा देंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हमने अब यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट एम पर. एम से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने कंपास को ओपन करेंगे किसी भी रेडियस का. बस हमने एच से हमने क्या करना है, एच से पॉइंट एच से हम बनाएंगे यहां पर एक एंगल. ये जो हमने बनाई थी लाइन, इससे हमने ये ड्रॉ करा है ए एम, ए एम इस पर हमने इस तरह से ये एंगल बनाया. और इसी तरह से हमने पॉइंट एम, पॉइंट एम पर भी क्या बना दिया, एंगल. जितने का हमने एच से बनाया था इतने का ही एग्जैक्टली बना देंगे हम एम पर. इस तरह से एम से हमने बना दिया. अब इसके बाद अपने कंपास को ओपन करेंगे. अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कंपास को हमने ओपन करना है. ये जो डिस्टेंस है, ये आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है हम ये लेंगे. अपने कंपास को हम इस आर्क लेंथ के इक्वल ओपन करेंगे और फिर यहाँ से इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर लगाएंगे एक आर्क. इस तरह से हमने सेंटर लेते हुए इसको कर देंगे इंटरसेक्ट. ठीक, ये हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया. जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया है, एक्चुअली ये इससे हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन. ठीक, हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट एम को इस पॉइंट से. इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट एम आपस में हो जाएंगे ज्वाइन. ये हमने ज्वाइन कर दी. तो हम देख रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है. हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी. और अब इसके बाद ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ गया, जहाँ पर ये इस बाइसेक्टर को, एंगल बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ओ. दिस इज पॉइंट ओ और ये पॉइंट ओ हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है. हमने कंपास को ओपन करना है ओ एम के. अब हमने रेडियस ले लिया ओ एम, ओ एम हमने अपना रेडियस लिया और फिर ओ को सेंटर लेते हुए
ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल। तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कल दोनों जो कन्वर्जिंग लाइंस हैं उनसे टच हो रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया पॉइंट एम से पॉइंट एम और दोनों कन्वर्जिंग लाइन से गुजरता हुआ सर्कल। ठीक, तो यही सारी बातें अब यहाँ पर हमारे लिखी हुई हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन में। इसको अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को। हमने यहाँ पर क्या कहा, ड्रॉ टू कन्वर्जिंग लाइन्स पी क्यू एंड एस टी विच मीट एट पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए पर मीट करती हैं, वो हमने ड्रॉ कर दी कन्वर्जिंग लाइन्स। फिर हमने पॉइंट एम दिया बिटवीन द लाइन्स। फिर हमने क्या करा, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर ए बी ऑफ एंगल ए, हमने फिर एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बना दिया। फिर इस पर हमने एक पॉइंट लिया ए बी पर, जो हमारा क्या है इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ए का, उस पर हमने एक पॉइंट जी ले लिया। इसके बाद हमने पॉइंट जी से ड्रॉ करा एक परपेंडिकुलर जी एक्स ए पी पर, जो कि हमें कहाँ पर मिलता है पॉइंट डी पर, सही जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करा कि विद जी एस सेंटर, फिर हमने जी को सेंटर लिया और फिर हमने रेडियस हमने ले लिया इक्वल टू जी डी। जी डी हमने फिर रेडियस लिया था और फिर हमने ड्रॉ करा था एक सर्कल विच टच बोथ द कन्वर्जिंग लाइन, जो कि दोनों कन्वर्जिंग लाइन्स को टच करता है। फिर ड्रॉ ए सी विच कट्स दिस सर्कल एट पॉइंट एच। फिर हमने यहाँ पर ड्रॉ करा जी से एच को हमने ज्वाइन करा था, इससे हमें यहाँ पर सर्कल पे पॉइंट क्या मिला एच। अच्छा, यहाँ पर आपका आ जा रहा है ड्रॉ ए सी। ड्रॉ ए सी, ए सी क्या है, जो हमारा यहाँ पर M से, M से हमने यहाँ पर ज्वाइन करा था A को और कहेंगे हम इसको ये पॉइंट हमारा क्या है C। तो ड्रॉ ए सी, हमने ए सी ड्रॉ करा था विच कट्स दिस सर्कल एट पॉइंट H, जो कि सर्कल को पॉइंट H पे कट कर रहा है। ड्रॉ एच जी, फिर हमने एच जी ड्रॉ कर दिया, जो कि फिर इस बार हमने क्या करा था ऑल्सो ड्रॉ एन बी। एन बी हमने ड्रॉ करा एन बी पैरेलल टू एच जी, हमने एन एम ड्रॉ किया था, ये हमारा पॉइंट एन है, सही। ये हमने एन एम पैरेलल टू एच जी ड्रॉ करा। एम एन कट्स ए बी एट पॉइंट ओ, जो कि ए बी को पॉइंट ओ पे कट करता है। फिर हमने ओ को सेंटर लिया और रेडियस हमने एक बार ले लिया मेजर ओ एम, और फिर हमने ड्रॉ करा एक सर्कल जो कि पास हो रहा है पॉइंट एम से, पॉइंट एम से गुजर रहा है और थ्रू एम एंटर्स द टू कन्वर्जिंग लाइन्स, और दोनों कन्वर्जिंग लाइन्स को भी टच कर रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। इस तरह से हमने अपनी रिक्वायर्ड फिगर ड्रॉ कर ली है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।